योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेदिक के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन मामले में दिए गए वचन का पालन नहीं करने के लिए अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। 2 अप्रैल को अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को 1 सप्ताह के भीतर उचित हल्फनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था और कहा था कि उनके द्वारा दायर की गई पहले की माफी अधूरी और महज दिखावा थी।